मऊ जनपद के तमसा नदी के किनारे महिलाएं इकट्ठा होकर भगवान जिमूतवाहन की पूजा अर्चना कर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी तिथि को पूर्वांचल के कई जिलों में जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए खास व्रत माना जाता है जो अपनी संतान की लंबी आयु और उनके ऊपर आने वाली विपदा को दूर करने के लिए महिलाएं यह निर्जला व्रत रखती हैं। एल न्यूज के लिए मैं सरफराज अहमद की रिपोर्ट। जितिया का त्यौहार है, बच्चों की अच्छी शुभकामनाओं के लिए मनाया जाता है कि बच्चों के भविष्य में जो भी हो, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, बच्चों की लंबी उम्र हो, इसी के लिए जितिया का त्यौहार है। कितने दिनों का जितिया होता है, कितने दिन उपवास की जाती है? 24 घंटे का जितिया उपवास किया जाता है। निर्जला व्रत होता है क्या ये भी? होता है, कब खत्म होगा ये और कैसे व्रत तोड़ा जाएगा? ये व्रत आज जितिया के दिन से शुरू होता है और कल उतना ही लेट से ये व्रत तोड़ा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपका